नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है एकेडमिक्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 10,000 से लेके 15,000 की रेंज में रहने वाले फ़ोन्स के बारे में। दोस्तों हमने आज 5 नंबर ऑफ डिफरेंट फ़ोन्स लिए हैं जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे इसकी लुक्स के बारे में, देन फ़ोन्स के स्पेसिफिकेशन एंड फीचर्स के बारे में, एंड उसकी प्राइसिंग के बारे में। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड बेल आइकन को दबा दीजिए। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार रहने वाला है, बहुत इंटरेस्टेड रहने वाला है, सो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए करते हैं स्टार्ट आज का वीडियो, लेट्स गो विद मी। सो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं ओप्पो कंपनी के फ़ोन A15s के बारे में, जो कि 10,999 की रेंज में है। अगर फ़ोन की लुक के बारे में बात करें तो बहुत ही मस्त लुक दे रखी है इस फ़ोन की। 3D कर्व डिजाइन बॉडी इसमें आपको मिल जाएगी विद सनलाइट स्क्रीन, एंड रियर में 3 कैमरास का स्केयर कैमरा सेक्शन मिलेगा विद फ्लैश, एंड रियर फिंगरप्रिंट सेंसर इसमें लगा मिलेगा। देन हम बात करते हैं इस फोन के स्पेसिफिकेशन एंड फीचर्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं हम इसके स्क्रीन साइज के बारे में। स्क्रीन साइज जो इसमें हमको दे रखा है 6.52 इंचेस का स्क्रीन साइज दे रखा है, डायगोनली होता है जो। देन रियर कैमरास की बात करें तो 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 2 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा एंड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा इसमें हमको दे रखा है। देन फ्रंट कैमरा जो होता है सेल्फी वाला कैमरा, वो हमको दे रखा है 8 मेगापिक्सल का। इसकी स्क्रीन टाइप की बात करें तो HD हाई डेफिनेशन प्लस स्क्रीन दे रखी है। देन हम बात करते हैं बैटरी की कैपेसिटी के बारे में। बैटरी की कैपेसिटी इसमें हमको दे रखी है 4230 mAh की बैटरी, 4230 mAh की बैटरी हमको इसमें दे रखी है, जो कि एक बहुत ही अच्छा बैटरी बैकअप देने वाली है। देन फोन के स्टोरेज के बारे में बात करें तो 4 128 GB का इसमें स्टोरेज हमको मिल जाएगा। रैम जो है इसकी 4 GB दे रखी है, रोम जो है 128 GB दे रखी है, जो कि अप टू 128 GB और एक्सपेंडेबल की कैपेसिटी रखती है। देन फोन के प्रोसेसर ब्रांड के बारे में बात करें तो मीडियाटेक हेलियो P35 का प्रोसेसर ब्रांड दे रखा है, जो कि बहुत ही अच्छा प्रोसेसर ब्रांड है। ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें 10.0 लेटेस्ट वर्जन इसका दे रखा है। दोस्तों अब हम बात करते हैं फोन की प्राइसिंग के बारे में। अमेजोन की साइट पे आपको ये फोन 10,999 की रेंज में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं रेडमी कंपनी के फोन रेडमी नोट 10T 5G के बारे में, जो कि 12,999 की रेंज में है। दोस्तों इस फोन की लुक के बारे में बात करें तो इस फोन की लुक भी जो है बहुत ही फंटेस्टिक लुक दे रखी है। इसमें आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा एंड हाइब्रिड सिम स्लॉट मिल जाएगा। देन रियर में आपको ईवोल्ट डिजाइन कैमरा सेक्शन मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं इस फोन के स्पेसिफिकेशन एंड फीचर्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं स्क्रीन साइज की। जो स्क्रीन साइज इसका दे रखा है 6.5 इंच का स्क्रीन साइज इसमें दे रखा है, एंड स्क्रीन की बात करें तो एमोल्ड फुली HD प्लस स्क्रीन दे रखी है। देन कैमरास के बारे में बात करें तो रियर कैमरा जो इसका दे रखा है 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 2 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा दे रखा है। देन फ्रंट कैमरे की बात करें तो सेल्फी वाला कैमरा जो होता है वो 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दे रखा है। देन इसकी बैटरी की कैपेसिटी के बारे में बात करें तो 5000 mAh की बैटरी कैपेसिटी दे रखी है, 5000 mAh की बैटरी कैपेसिटी बहुत ही अच्छा बैटरी बैकअप देने वाली है। इसके साथ आपको 18W का फास्ट चार्जर मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं इस फोन के स्टोरेज के बारे में। स्टोरेज में आपको 4GB रैम एंड 64GB इंटरनल स्टोरेज आपको मिलेगा। जो 64GB इंटरनल स्टोरेज रीड ओनली मेमोरी है, जो रोम मेमोरी है इसकी अप टू 64GB और एक्सपेंडेबल है। इसके प्रोसेसर ब्रांड की बात करें तो मीडियाटेक डायमेंसिटी 700 प्रोसेसर ब्रांड इसमें आपको मिल जाएगा, जो कि एक बहुत ही अच्छा प्रोसेसर ब्रांड है। देन इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करें तो MIUI 12 जो इसका लेटेस्ट वर्जन है इस फोन में इंस्टॉल मिलेगा आपको। अब बात कर लेते हैं इस फोन की प्राइसिंग के बारे में। दोस्तों आपको ये फोन अमेजोन की ऑफिशियल वेबसाइट से आपको ये फोन 12,999 रुपए का मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप ये फोन किसी सेल या ऑफर्स में लेते हैं तो आपको ये फोन और भी सस्ता पड़ सकता है। सो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं सैमसंग कंपनी के फोन M12 के बारे में, जो कि 13,499 रुपए की रेंज में है। दोस्तों इस फोन की लुक के बारे में बात करें तो ये फोन भी दिखने में बहुत अच्छा लगता है। इसमें आपको ऑन स्क्रीन बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट सेंसर दे रखा है, एंड फोन के टॉप मिडल में एक सेल्फी कैमरा दे रखा है फ्रंट कैमरा, एंड फोन के रियर में 4 कैमरा का स्केयर कैमरा सेक्शन दे रखा है विद फ्लैशलाइट, एंड बॉटम एज में सैमसंग का लोगो दे रखा है। अब हम बात कर लेते हैं फोन के स्पेसिफिकेशन एंड फीचर्स के बारे में। सबसे पहले इसका जो स्क्रीन साइज है 6.5 इंच का स्क्रीन साइज दे रखा है डायगोनली। देन जो इसकी स्क्रीन टाइप है LCD स्क्रीन टाइप इसकी दे रखी है। अब हम बात कर लेते हैं फोन के कैमरास के बारे में। रियर कैमरा में जो दे रखा है 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 5 मेगापिक्सल का जो इसमें वाइड एंगल कैमरा रखा है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा दे रखा है, एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा दे रखा है। फ्रंट कैमरे के बारे में बात करें सेल्फी कैमरा जो दे रखा है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दे रखा है।
देन इसकी बैटरी की कैपेसिटी के बारे में बात करें तो 6000 mAh की बैटरी दे रखी है, जो कि एक बहुत ही अच्छा बैटरी बैकअप देने वाली है। साथ में आपको इसके 15 W का फास्ट चार्जर, सुपर फास्ट चार्जर मिल जाएगा। दोस्तों 6000 mAh की बैटरी इसमें बहुत ही अच्छी बैटरी दे रखी है, जो कि एक पावर बैंक का काम करेगी। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं फ़ोन के स्टोरेज के बारे में। इसमें आपको 6GB रैम एंड 128GB इंटरनल मेमोरी मिल जाएगी, जो कि और 128GB एक्सपेंडेबल है। फ़ोन के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करते हो, इसमें आपको एंड्रॉयड 11 का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल मिलेगा। अब हम बात करते हैं फ़ोन की प्राइसिंग के बारे में। दोस्तों ये फ़ोन आपको अमेज़ॉन की ऑफिशियल वेबसाइट से 13,499 रुपये का मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं ओप्पो कंपनी का फ़ोन ओप्पो A54 के बारे में, जो कि 11,490 रुपये की रेंज में है। दोस्तों लुक वाइज ये फ़ोन भी देखने में बहुत ही अच्छा फ़ोन है। इसमें आपको 3D कर्व सरफेस बॉडी मिल जाएगी एंड साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा। फ्रंट में आपको लेफ्ट कॉर्नर में एक सेल्फी कैमरा मिलेगा एंड रियर में आपको फोर्स कैमरा का स्केयर कैमरा सेक्शन मिलेगा। देन हम बात करते हैं इस फ़ोन के स्पेसिफिकेशन एंड फीचर्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इस फ़ोन के स्क्रीन साइज़ के बारे में। इसका जो स्क्रीन साइज हमें दे रखा है 6.51 इंच का स्क्रीन साइज दे रखा है डायगोनली। इस फ़ोन के कैमरास के बारे में बात करें तो इसमें आपको रियर कैमरा में 13 MP का मेन कैमरा, 2 MP का वाइड एंगल कैमरा एंड 2 MP का डेप्थ कैमरा इसमें आपको मिल जाएगा। फ्रंट कैमरा के बारे में बात करें तो इसमें हमको 16 MP का फ्रंट कैमरा जो मिल जाएगा, सेल्फी कैमरा 16 MP का फ्रंट कैमरा मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं इस फ़ोन के स्टोरेज के बारे में। इसमें आपको 4GB रैम एंड 64GB इंटरनल मेमोरी मिल जाएगी, जिसको आप 64GB और एक्सपेंड कर सकते हैं। इस फ़ोन की बैटरी कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं, इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाएगी, प्लस इसमें आपको 18 W का सुपर फास्ट चार्जर मिलेगा। अब हम बात करते हैं इस फ़ोन के प्रोसेसर ब्रांड के बारे में। इसमें आपको मीडियाटेक हेलियो P35 का प्रोसेसर ब्रांड मिलेगा, जो कि एक बहुत अच्छा प्रोसेसर ब्रांड है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करते हैं, इसमें आपको एंड्रॉइड 10.0 का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल मिलेगा। अब हम बात करते हैं इस फ़ोन की प्राइसिंग के बारे में। दोस्तों अमेज़न के ऑफिशियल वेबसाइट से ये फ़ोन आपको 11,490 रुपये का मिल जाएगा। ओप्पो A54 आपको अमेज़न की ऑफिशियल वेबसाइट से 11,490 रुपये का मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं वीवो कंपनी का फ़ोन वीवो Y21 के बारे में, जो कि 13,999 की रेंज में है। दोस्तों इस फ़ोन की लुक के बारे में बात करें तो ये बिल्कुल ही एक स्लिम फिट फ़ोन है। इसकी जो थिकनेस है 8.0 mm की थिकनेस दे रखी है। इस फ़ोन में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा एंड इन फ्रंट मिड में सेल्फी कैमरा, रियर में आपको 3 कैमरा का स्केयर कैमरा सेक्शन विद फ्लैश मिलेगा, प्लस बॉटम एज में वीवो कंपनी का लोगो लगा हुआ मिलेगा। देन दोस्तों हम बात करते हैं इस फ़ोन के स्पेसिफिकेशन और फीचर्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इस फ़ोन के स्क्रीन साइज के बारे में। इस फ़ोन में हमको 6.51 इंच का स्क्रीन साइज दे रखा है, जो हम डायगनली मेजर करते हैं। अब हम बात करते हैं इस फ़ोन के कैमरास के बारे में। सबसे पहले रियर कैमरा, इसमें हमको मेन कैमरा दे रखा है, 13 MP का मेन कैमरा दे रखा है एंड 2 MP का वाइड एंगल कैमरा एंड 2 MP का डेप्थ कैमरा दे रखा है। अब हम बात करते हैं फ्रंट कैमरा के बारे में। फ्रंट कैमरा में हमको सेल्फी कैमरा जो दे रखा है, 8 MP का सेल्फी कैमरा दे रखा है। इसकी बैटरी की कैपेसिटी के बारे में बात करें तो 5000 mAh की बैटरी दे रखी है, प्लस 18 W का फास्ट चार्जर इसमें आपको मिल जाएगा। इसके स्टोरेज के बारे में बात करें तो हमको रैम जो इसकी 4GB एंड इंटरनल मेमोरी जो है 64GB मिल जाएगी, मतलब रीड ओनली मेमोरी जो है 64GB एंड रैडम एक्सेस मेमोरी जो है 4GB मिल जाएगी। रीड ओनली मेमोरी जो इंटरनल मेमोरी इसकी है और 64GB अप टू 64GB एक्सपेंडेबल है। दोस्तों अब हम बात करते हैं इस फ़ोन के प्रोसेसर ब्रांड के बारे में। इसमें हमको मीडियाटेक हेलियो P35 ऑक्टा कोर प्रोसेसर ब्रांड मिलेगा, जो कि एक बहुत ही अच्छा प्रोसेसर ब्रांड है। इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करें तो इसमें फन टच ऑपरेटिंग सिस्टम 11.1 का लेटेस्ट वर्जन जो है इंस्टॉल मिलेगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं इस फ़ोन की प्राइसिंग के बारे में। दोस्तों ये फ़ोन आपको अमेज़ॉन की ऑफिशियल वेबसाइट से 13,999 रुपये का मिल जाएगा, मात्र 13,999 रुपये का अमेज़ॉन की ऑफिशियल वेबसाइट से ये फ़ोन आपको मिल जाएगा। दोस्तों आज हमने जितने भी फ़ोन के बारे में डिस्कस किया है, उसमें से Redmi Note 10T 5G के अलावा सारे फ़ोन जो है 4G नेटवर्क को सपोर्ट करते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आप इन फ़ोन्स के बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में अपना सुजेशन दे सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए, घंटी वाले बटन को दबा दीजिए, ताकि हम जब भी नवा वीडियो डालें आपको उसका नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। सो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।